नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मुंदरी, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुंदरी का ई स्वर वर्ण से कुछ शब्द हैं और उनका अर्थ हम लोग हिंदी में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। ईर, ईर यानी हसुआ से काटना। वीर, घना जंगल, घना जंगल। सीम, सीम यानी सॉरी मुर्गा या मुर्गी, मुर्गा या मुर्गी। इली, इली, इली यानी हनिया। तो चलिए हम लोग फिर एक बार इन शब्दों को उच्चारण करते हैं। ईर, ईर यानी हसुआ से काटना। बीर, बीर यानी घना जंगल। सिम, सिम यानी मुर्गा या तो फिर मुर्गी। इली, इली यानी हनिया। गीडी, गीडी यानी फेंकना। फेंकना, किसी चीज को फेंकना। फिर इसके बाद हम लोग का है ईराल यानी आठ। उसके बाद हिता, हिता, हिता यानी बिहन। चिट्टी, चिट्टी यानी चिट्ठी। फिर एक बार हम लोग इन शब्दों को उच्चारण कर लेते हैं। गिड़ी, गिड़ी यानी फेंकना। इरल, इरल यानी आठ। हिता, हिता यानी बिहन। चिट्ठी, चिट्ठी यानी चिट्ठी। उसके बाद हम लोग का है किता, की ता, किता यानी खजूर सॉरी खजूर। बीता, बीता, बीता यानी बीते से नापना। बीते से नापना, बीते से नापना। फिर इसके बाद हम लोग का है इपिल, इपिल, इपिल यानी तारा या फिर सितारा। इबिल, इबिल, इबिल यानी घना या फिर मोटा। घना, मोटा। फिर एक बार इन शब्दों को हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। किता, किता यानी खजूर।
बीता, बीता यानी बीते से नपना, इपिल, इपिल यानी तारा, इबिल, इबिल यानी घना या फिर मोटा। इसके बाद हम लोग का है इतिल, इतिल, इतिल यानी चर्बी, चर्बी सॉरी। उसके बाद हम लोग का है इसीन, इसीन, इसीन यानी खाना पकाना, खाना पकाना। इमिन यानी उतना, फिर इकिर, इकिर, इकिर यानी गहराई। इकिर यानी गहराई। तो हम लोग फिर एक बार इन शब्दों को उच्चारण कर लेते हैं। इतिल, इतिल यानी चर्बी, इसीन, इसीन यानी खाना पकाना, इमिन, इमिन यानी उतना, इकिर, इकिर यानी गहराई। उसके बाद हम लोग का शब्द है मिंडी, मिंडी, मिंडी यानी भेड़। उसके बाद है सिविल, सिविल यानी स्वाद। उसके बाद है रिमिल, रिमिल यानी बादल। उसके बाद हम लोग का है जीनिस, जीनिस, जीनिस यानी चीज, चीज या फिर वस्तु। तो इन शब्दों को हम लोग फिर एक बार उच्चारण कर लेते हैं। मिंडी, मिंडी यानी भेड़, सिविल, सिविल यानी स्वाद, रिमिल, रिमिल यानी बादल, जिनिस, जिनिस यानी चीज या तो फिर वस्तु। तो लास्ट शब्द है हम लोग का विचार, 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 उसका हिंदी होता है विचार। तो मुंडारी में विचार बोला जाता है, हिंदी में विचार। आज के लिए क्लास इतना ही। आप सबों को जोहार।